बहु विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी विक्रम सिंह रंधावा इस समय हमारे साथ हैं। विक्रम सर, आज अपना वोट कास्ट करने के लिए आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितनी महत्वपूर्ण सीट है बहु विधानसभा क्षेत्र? देखिए, सभी विधानसभाएं महत्वपूर्ण होती हैं। अब जो यहाँ से लड़ रहा होता है उसको लगता है मेरी विधानसभा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये हमारी सेंटर जिसे कह सकते हैं हार्ट ऑफ द सिटी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जम्मू कश्मीर का सबसे अमीर आदमी भी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर है और जम्मू कश्मीर का एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा वोटर जो जिसको एक समय का खाना मिलता था, दूसरे समय के खाने की उसको चिंता हो जाती है कि खाना कहाँ से मिलेगा, वो भी हमारा वोटर है और मुझे दोनों का वोट लेना है। मैंने दोनों को अप्रोच किया है और दोनों ही वोट डाल रहे हैं। अमीर आदमी भी वोट डाल रहा है, गरीब आदमी भी वोट डाल रहा है। ये समीकरण बनाने का हमने प्रयास किया है। हमने प्रयास किया है कि कैंपेन के दौरान लोगों का दिल जीते, हमने आशीर्वाद मांगा है और आशीर्वाद को वोट में बदलने का हम प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल जी, हमने देखा कि आपने अलग तरह की कंपेनिंग की है, आपने रैलीज कम की है लेकिन लोगों तक पहुंचने की कोशिश आपने की है, डोर टू डोर कंपेनिंग आपने की है, किस तरह का रिस्पांस है लोगों, क्या लगता है? वो बहुत बेहतरीन है। जब किसी के द्वार पे जाते हैं तो वो आपका इस्तकबाल करता है, आपको अंदर बुलाता है, चाय पानी पूछता है, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं जहाँ भी गया हूँ वहाँ पर कहीं पर तो तिलक अभिषेक भी हुआ, हार भी बनाए गए, जीतने से पहले ही अभिनंदन किया गया, तो ये संकेत होते हैं कि ईश्वरी ताकतें भी साथ चल रही होती हैं। भगवान की असीम कृपा है और उस कृपा को हम जीत में बदलने में कामयाब हो जाएंगे। तो जी, हमने देखा कि जब आपकी टिकट अनाउंस नहीं हुई थी उससे पहले भी आप जनता के बीच जा रहे थे, उनके मसले देख रहे थे, क्या मसले हैं क्या नहीं है, और आपने कहा था कि मुझे टिकट नहीं मिलेगी तो मैं विरोध नहीं करूंगा। विरोध का तो हमारे पास सोच भी नहीं सकते ना हम कभी। मैं तो संगठन का कार्यकर्ता हूँ, 30 साल से बीजेपी का काम कर रहा हूँ, बीजेपी के राष्ट्रवाद की विचारधारा को लोगों के बीच में लेके जाता हूँ और मुझे लगता है कि एक बड़ा अच्छा वातावरण बना हुआ है। मैंडेट मिलना को बहुत बड़ा इशू नहीं है, मैंडेट अब बीजेपी में काम पे मिलता है और मेरा काम, मेरी कार्यप्रणाली, कार्य पद्धति इतनी सकारात्मक थी, लोगों के बीच में थी, पब्लिक ओरिएंटेड थी कि मेरी लीडरशिप ने एक पॉजिटिव फैसला लिया और हमने उसको कबूल किया और जिस दिन से मैंडेट अनाउंस हुआ है देयर वाज नो लुकिंग बैक। आज मुझे लगता है कि 25 दिन हो गया कि मैं 2 घंटे से ज्यादा सोया भी नहीं होगा, तो आप आज पोलिंग अच्छी हो जाए, रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग हो जाए तो अच्छी नींद भी ले लेंगे। तो आज आपको डॉक्टर को भी चेकअप करवाना चाहिए, गला अभी तक खराब है। डॉक्टर कहाँ चेकअप करेंगे, हम तो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे तो वैसे ठीक हो जाएगा। राजनीति पे आते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि 370 हम वापस लाएंगे, स्टेटहुड हम लाएंगे, क्या लगता है कि 370 वापस आ पाएगा जम्मू कश्मीर में कभी? देखिए, ना गंगा गई हड्डियां वापस आती हैं, ना कब्रों में गया हुआ व्यक्ति वापस आता है, ना ये चीजें नामुमकिन है, तो भी धारा 370 भी वापस आ रहा ना। क्यों लोगों को भी कहा जा रहा है कि वो गुमराह कर रहे हैं कश्मीर की आवाम को और वो अच्छा कर रहे हैं। जम्मू के आवाम को थोड़ी जागृति तो आ रही है ना कि वो पुनः वो स्थिति लाना चाहते हैं कि जम्मू के अंदर बदहाली हो, जम्मू के अंदर आगजनी हो, पत्थरबाज फिर बाहर निकले और फिर उसके बाद जम्मू द्वारा जो है वो आके वाले किया जाए राज्य का दर्जा। वो भी कह रहे कि जब सरकार बनेगी तो हम दिलवाएंगे, वो क्या दिलवाएंगे, वो उनका अपना बुजुर्ग ही कोई नहीं, उन्होंने क्या दिलवाना है, जिन्होंने लिया है वही देंगे। बहुत शुक्रिया विक्रम को बातचीत करने के। तो विक्रम रंधावा अपना वोट कास्ट करने के लिए गांधीनगर यहाँ पर पहुंचे हैं और भाजपा के प्रत्याशी यहाँ बहु विधानसभा क्षेत्र से, और आज कहीं ना कहीं जम्मूवासी जो है वो बढ़ चढ़कर इस त्योहार में हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा त्योहार है, लोकतांत्रिक देश भारत के जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और आज आखिरी चरणों के लिए मतदान किया जाएगा और 8 तारीख को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। नमस्कार।